नमस्कार। पहले मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बोलने पे आ पाए यहाँ पे। रिसेंटली हमने देखा था कि एक हमारे हॉस्पिटल के बारे में एक गलत अफवाह एक फैलाई थी थोड़े लोगों ने कि एक मरा हुआ पेशेंट आईसीयू में है और आईएलएस ऐसे मरे हुए लोगों को आईसीयू में रख देता है। ऐसे बहुत सारी अफवाहें फैला के पूरे हमारी टीम पूरा मतलब डीमोटिवेट हो गई, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं पिछले हम 2-3 सालों से कोविड के इसमें। और ऐसा एक अगर अफवाह फैलेगी तो सबको डिमोटिवेशन तो हो गई। तो इसीलिए अभी जब ये पेशेंट जिसके बारे में बोला गया था कि ये पेशेंट ऐसे मर गया है आईसीयू में रखा है, वो पेशेंट आज पूरा ठीक होके छुट्टी होने वाला है। तो जो न्यूज़ में आया है और वास्तविक क्या है, रियलिटी क्या है, तो वो बताने के लिए ही हमने आप सबको यहाँ पे निमंत्रण किया था और बुलाया था। तो ये जो पेशेंट है निताई दास, ये पेशेंट 18 तारीख को पहले आईजीएम हॉस्पिटल में था। आईजीएम हॉस्पिटल में भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पे उसको पहले एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो मैनेजमेंट किया है उन लोगों ने भी। वो करके जब उनको लगा कि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए होगा, तो कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए करके उन्होंने आईएलएस हॉस्पिटल, क्योंकि आईएलएस हॉस्पिटल एक रेफरल हॉस्पिटल है यहाँ पे इस स्टेट के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने भेजा। तो जब यहाँ पे भेजा, डॉक्टर गर्ग थे, डॉक्टर गर्ग हमारे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे हमेशा रहता है फुल टाइम वो, डॉक्टर नरेश बाबू क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट। तो उन लोगों ने देखा कि ये पेशेंट को तो मतलब हार्ट अटैक है, इसका पूरा ब्लॉक हो गया है, हार्ट ही काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे हार्ट की बीमारियाँ हैं इस पेशेंट को। तो जब आया ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं था, इसका वाइटल्स भी ठीक नहीं था, तो हमने इसको बहुत सारा आयनोट्रॉप्स भी दिया है, मैनेजमेंट किया है। फिर गर्ग साहब ने यहाँ पे सीएजी किया, सीएजी करके पता चला इस पेशेंट को 3 वेसल्स में मतलब 3 खून की नलियों में इसका ब्लॉकेज है इस पेशेंट का। और फिर ये भी देखा कि इसका पेशेंट का हार्ट पूरा ब्लॉक हो गया है। हार्ट ब्लॉक मतलब हार्ट जो ऐसे लप डप जो आवाज़ करती है वो बंद हो गई, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा हार्ट। तो फिर डॉक्टर साहब ने उसका बाद में टेम्पररी पेसमेकर भी किया ताकि उसका हार्ट फंक्शन हो जाए, और ये करने के तुरंत अगले दिन पेशेंट इम्प्रूव करने लग गया। और अभी इतना अच्छा इम्प्रूव किया है कि हमने उसको पेसमेकर से भी हटा दिया है, टेम्पररी पेसमेकर से। अभी सिर्फ वो मुंह की दवाई मतलब ओरल दवाई से ही स्टेबल है। तो ये जो घटना घटी लास्ट वीक, जहाँ पे पिछले हफ्ते में, जहाँ पे मतलब हम सब भी बहुत शॉक्ड हो गए, डीमोटिवेट हो गए कि ऐसे तो कुछ है ही नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसे बोलता रहेगा कि मरे हुए पेशेंट को आईसीयू में रखता रहता है, मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो बहुत ही हमारे लिए मानसिक रूप से डिमोटिवेटिंग होता है कि इतना मेहनत, इतनी मेहनत करते हैं हम, और ये किसके लिए कर रहे हैं, त्रिपुरा के लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो वो बाद में हमें बहुत डिमोटिवेशन हो गया। तो इसीलिए मैं चाह रही थी आप सब आए और हॉस्पिटल की भी एक बार बात सुने कि हॉस्पिटल क्या कर रहा है यहाँ पे। और आप प्रेस वाले, आप हमारा साथ इसमें दीजिए, क्योंकि आपको सच जानना जरूरी है, और जो सच है आप वो डालिए। कहीं पे अगर कुछ लगता है कि कुछ ऐसे कंप्लेन आई है आईएलएस के अगेंस्ट, तो पहले उसको जानिए कि वास्तविक रियलिटी क्या है, फिर आप उसको छापिए। क्योंकि आपके ये छापने से और कितने रोगी हैं जो वो बाद में हम पे भरोसा नहीं करते हैं इतना अच्छा काम करने के बावजूद। तो वही मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप सब जो सही है वो छापिए, पहले पूछिए हमसे, फिर आपको लगे कि जो है सच है फिर आप वो छापिए, ताकि जिसको ट्रीटमेंट चाहिए वो यहाँ पे अगर एटलीस्ट ट्रीटमेंट लेने आए, नहीं तो वो अगर हम पे भरोसा ही नहीं करेगा तो कैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आएगा। हॉस्पिटल है यहाँ पे, कोई सिंपल पेशेंट नहीं आता है यहाँ पे। सब मान लो कोई नर्सिंग होम में कोई पेशेंट खराब हो जाता है, जीवी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट खराब हो जाता है, तो सब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड और ख़राब पेशेंट ही आते हैं। तो जो हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेटेड और ख़राब पेशेंट आएंगे उसमें पेशेंट एक्सपायर भी होंगे नहीं, तो इसीलिए इस अस्पताल में मोर्टलिटी रेट थोड़ा रहेगा, पेशेंट तो मरेगा ही। किस अस्पताल में पेशेंट नहीं मरता बताइए आप, हर अस्पताल में पेशेंट मरता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल पेशेंट आता कौन है बताइए, कोई सिंपल पेशेंट आता है यहाँ पे? कभी नहीं आता सिंपल उसमें पेशेंट। भी हमारी यही कोशिश रहती है तो कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आए, पूरी टीम जो है यहाँ पे, क्योंकि पूरा जो टीम है हमारा फुल टाइम में है, सब इधर ही रहते हैं हॉस्पिटल के पास में, इतनी सुविधाएं दी है ताकि जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए उसमें पूरी टीम एक साथ लग जाए बस पेशेंट को ठीक करने में। तो बहुत सारे केसेस हम अच्छे भी कर
करते हैं, एक-आध को कुछ ऐसे खराबी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई लास्ट मिनट में आएगा हमारे पास ट्रीटमेंट लेने जहाँ पे कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो उसका तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई रेफरल हॉस्पिटल नहीं कर पाएगा। तो ये पेशेंट लास्ट मिनट में आया है, बट डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट और भगवान की कृपा से ये पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। और आप देख सकते थे कि पेशेंट बात कर रहा है, आपकी बात समझ रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ ही हो रहा है। तो ये सबका एक साथ ट्रीटमेंट, एक साथ सब मेहनत की है, तभी तो हुआ है। पेशेंट निजे स्वाभाविक जीवने फिरे जाच्छे, पेशेंट हार्ट अटैक निये एसेछिलो जार जन्ये धरुन पेशेंट पार्टिरो मने होते पारे जे की होच्छे आमार परिषेबा किरकम होच्छे की ना होच्छे सेटार जन्ये करा होयेछे। किन्तु आमी जेटा बोलबो जे आपनादेर साथे आमादेर खूब भालो सम्पर्क, आपनादेर छाड़ा जेरकम आमादेर हस्पिटाल आमरा जे विभिन्न धरनेर भालो काजगुलि करछि आपनारा एगुलो धरछेन। किन्तु एसब जदि मिथ्ये कोनो किछु आसे একবার যাচাই করে নেবেন, আপনাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আপনারা একবার জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি কী ঘটনাটা ঘটেছে। কারণ শুধু শুধু একটা জিনিস বলে দেওয়া যেটা হচ্ছে কি মানুষের মনে একটা অবিশ্বাস তৈরি হয়, যেটা আমরা চাই না যে তৈরি হোক, কারণ আমরা পরিষেবা দিতে বসেছি এবং ত্রিপুরার সবার জন্যই আমরা ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য এসেছি। এবং একটা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সবসময় সবার স্বাস্থ্য ভালো রাখারই কামনা করি এবং ভালো করার প্রচেষ্টাই আমরা করব। সেটার জন্য আজকে আপনাদেরকে নানা ধন্যবাদ আপনারা এসেছেন। আপনার নামটা? মনোজ কুমার দেবনা, ডেপুটি ম্যানেজার।